अंधेरे में दिया सदलता है जब कोई जिंदगी में मिशाल करता है। मिसाल और मशाल, मिसाल से मशाल करता सफर। कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जैसे जमाने याद करते हैं। उनके पीछे झांकते हैं, उनको आंकते हैं। आज का विषय है, सामुदायिकता। कुछ संदर्भ, कुछ सवाल। सवाल ये कि सामुदायिक शब्द है भीड़, एक शब्द है भीड़। भीड़ समुदाय, इनमें कुछ फर्क होना चाहिए। होता है तो कुछ ठीक है। ठीक कैसे होता है? ठीक क्यों नहीं है? ठीक होता क्या है और बेठीक क्या होता है? बहुत सारे सवाल हैं। आप अरविंद मोहन जी से आज के व्याख्यान के लिए अनुरोध कर रहे हैं और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कार्यों के हर्षो भाई से। अपने योगदान से कभी चूकते नहीं है। शौक भावनाओं की सरगर्मी के लिए माला जो कभी ना मुरझाए, इस तरह से हम उम्मीद करते हैं आपके इरादे, आपके हौसले हमेशा इसी तरह रहे। विशेष बता दें कि बहनीन पार्टी भी यहाँ मौजूद है, रोहिना साहब मौजूद हैं, और भी सुन रहे हैं आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन समय और स्थितियों को देखते हुए उन सब प्रतिमाओं को पहले सम्मानित कर रहे हैं जिससे कहीं कोई अड़चन ना आए। जो सबके फायदे के होते हैं उनको वरीयता देकर ये रचना कर को आगे बढ़ते हैं और पत्रकारिता को एक अलग ऊंचाई देते हैं। शिशु प्रकाश तो अच्छा सा फोटो है और मिठाई की तारीफ कर रहे हैं, हमेशा वहां पहुंचती है और उन सब तक खबर जिस रात का, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार से नवाजा जाता है। कई बार मेरा मन कर रहा है रचनात्मक पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म को लेकर है। रोशनी आ गई है, वाह। हेलो, श्री दिनेश बोरा को रचनात्मक पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। दिनेश जी, दिनेश का मतलब सूरज होता है और ये दूर का जाता है। और अब
कई बातें एक साथ होनी चाहिए इसके लिए। और इसके बाद विशेष योगदान देने के लिए श्री एहदी खान, श्री एहदी खान, एहदी खान। और इसके बाद बाबूलाल, बाबूलाल नाम दुर्जन है, काम बड़ा संजन है और इसीलिए सम्मानित किया जा रहा है। निवासी पिंजराड़ है, पिंजराड़ और एक अब इस क्रम में आखिरी नाम स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान के लिए श्री ज्ञानन सिंह राजपूत की संस्थाओं द्वारा आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविरों में सेवाएं देने के उपलक्ष में इन्हें सम्मानित किया जाता है। ये सम्मान पद्मश्री मंगराज जैन साहब इस फिल्म में दिया गया सम्मान, जो आपके हौसले और जज्बे को और बढ़ाता रहे, हम योगी तब चल रहे हैं। आपकी तालियों की थापी होगी तो अच्छा लगेगा। अधिक उत्पादन और कृषि क्षेत्र में उल्लेख कार्यों के लिए सम्मानित किया गया था। वाह हुजूर, ताड़ने में हुजूर, क्या बात है, मुंह का जायका ही बदल गया। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी दिक्कत है, लेकिन निकालने वाले दिक्कत में रास्ते निकाल ही देते हैं। और इसके बाद हर पार का दस सिपाही से जुड़कर अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कोई धूप की पैदावार से मजबूती कर रहा है समाज की, अपने परिवार की, इसके लिए अलग सम्मान। कृषि और पशुपालन उन्नयन के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए अतुलनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कुछ खास बात होगी। श्री कानूनाम सुधार बनाकर कई बार बहुत सारे परिवारों को जोड़ते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाते हैं और अपनी जिंदगी का स्तर भी बदल जाते हैं। और कई बार तो ये होता है कि लोग ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं, पहले ट्रेनिंग लेते हैं फिर ट्रेनिंग देते हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान, अर्जुन राम मेघवाल बुनकर है ये, और राज्य स्तरीय सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। महिलाओं की कई बार घर की चारदीवारी उनका भूगोल इतिहास का बन जाता है, लेकिन यहाँ पहचान रही है क्योंकि अपनी तरह खड़े होकर ये रोशनी पे ला रही है। श्री याशी से सम्मानित किया जा रहा है। अनार से रंग निकलते हैं, सब्जियों से रंग निकलते हैं, फूलों से रंग निकलते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इस योगदान के लिए हम इनके कार्यों को प्रणाम कर रहे हैं। और इसके बाद आ रही है उत्सव लहर, इनका अंदाज एकदम ले रहा, आप देख रहे हैं, सुन रहे थे। और एक और विशेष यादगार हस्ती जो जयपुर से तमाम देशों में किया जा रहा है, समंदर खान है ये। बैकग्राउंड कैसे रुक गया भाई, ये अच्छा लगता है, अब रुक गया तो थोड़ा लगा कि सुना सुना लगा।